नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है इलस्ट्रेटर में कि मेन्यू कार्ड जो होते हैं, जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स वगैरह में जाते हो, तो आपको देखने के लिए मिलता है मेन्यू कार्ड्स वगैरह मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड अगर कुछ डिज़ाइन बनानी है तो किस तरह से आपको बनानी है वो मैं दिखाता हूँ आज इलस्ट्रेटर में। तो इलस्ट्रेटर में हम लोग आज देखेंगे जो वेक्टर होते हैं या EPS डिज़ाइन होते हैं रेस्टोरेंट में जो मिलते हैं मेन्यूज, उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं बहुत ईजी वे में इलस्ट्रेटर में। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर में एंड देखते हैं मेन्यू डिज़ाइन। ओके, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेस्टोरेंट में जो हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, या फिर अगर आप लोग किसी होटल्स वगैरह में जाते हो तो जो मेन्यूज मिलते हैं, जो फूड के जो मेन्यू मिलते हैं, वो किस तरह से बना सकते हो, मेन्यू कार्ड को कैसे बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। चलिए सीधा देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आप फर्स्ट क्या करो, मैं इसको मैं अपने डिज़ाइन में फर्स्ट कुछ कलर फिल कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली जब भी आपको लेने हैं तो आपको CMYK में ही आपको लेना है सारे चीज़ें जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जैसा कि मेरा डॉक्यूमेंट है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डबल क्लिक, थोड़े पिच कलर वाले स्टाइल में रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी है, तो इस कलर को मैंने बना लिया यहाँ पे, कंट्रोल टू किया एंड देन लॉक कर दिया। फर्स्ट लॉक कर लो आप। एंड देन अगेन मैं जाता हूँ एलिप्टिकल शेप ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसा भी आपको चाहिए होगा उस टाइप की आप शेप क्रिएट कर लो यहाँ पे, बिकॉज आपके मुझे इसके अंदर में इमेजेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट आप यहाँ पे ले लो कोई भी एक कलर आप अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा चॉकलेट वाले कलर को मैं ले लेता हूँ एंड देन दो तीन कॉपीज़ बना के रख ही लेता हूँ कि बाद में मुझे चाहिए होंगे तो मैं ले सकता हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए इमेजेस। बट आप एक चीज़ याद रखना, जब भी आप इमेजेस लेकर आ रहे हो तो आप मेक श्योर कि वो हमेशा जो होगा वो टॉप व्यू से ही हो, तो वो ज़्यादा बेटर लुक देता है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज को लेकर आता हूँ फर्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ कुछ इमेजेस ले लेता हूँ, जितने इमेज मुझे चाहिए होंगे सारे इमेजेस आ गए यहाँ पे मेरे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इमेजेस को। तो मैंने बहुत सारे इमेजेस ऐसे रख लिए हैं, जो भी मुझे चाहिए होंगे मैं उसको यूज़ में ले लूँगा। तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ डिशेस का के इमेजेस को मैं ले लेता हूँ। लाइक मैंने क्या किया, इसकी एक कॉपी बना लिया एंड देन सबसे फर्स्ट आपको राइट क्लिक, क्योंकि आपको मास्क करने हैं तो आप राइट क्लिक कर लो, अरेंज करो एंड देन ब्रिंग टू फ्रंट कर लो। राइट, कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लेने हैं, राइट क्लिक करना है, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लो। ओके, कुछ ऐसा मैंने ले लिया है। अब आप चाहो तो किसी डिश को आप सेलेक्ट कर लो एंड देन थोड़े से इमेज को आप छोटे कर लो, कुछ ऐसा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड देन क्लिपिंग मास्क। जो मेरा डिश है वो मैंने यहाँ पे मैं लेके आ गया, बहुत बड़े साइज़ हैं तो मैं इसे छोटे इमेज को रख लेता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा। तो जैसा चाहिए होगा आप रख लेना यहाँ पे। एंड देन अगेन आप चाहो तो इसके अंदर जाकर आप आउटलाइन स्ट्रोक्स क्रिएट कर सकते हो, कुछ ऐसे चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसा चाहिए नहीं चाहिए तो आप ले सकते हो। तो इस तरह से कर लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे कलर फिल कर लेने के बाद आप कुछ ऐसे बना लो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट डिज़ाइन बना लेता हूँ। जैसा आपको डिज़ाइंस चाहिए होंगे वैसा डिज़ाइंस आप क्रिएट कर लो। तो मैं प्रेफर करता हूँ कभी भी डिज़ाइन आपके ऊपर है कि आप कैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हो, बट मैं क्या करता हूँ कुछ डिज़ाइन कुछ इस तरह से मैंने रख लिए हैं। तो जैसा भी आप चाहो वैसे डिज़ाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, कुछ आप ऐसे। तो मैंने कुछ इस तरह के डिज़ाइन बना लिए यहाँ पे, आपको थोड़ा सा मूव करने हैं कुछ ऐसा। तो फर्स्ट मैंने कुछ ऐसे बना दिए यहाँ पे एंड देन आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बना सकते हो यहाँ पे, कॉपी कर सकते हो उसको भी। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे आ गया एंड देन मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, इमेज डाल देता हूँ, ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज को लेके आ जाता हूँ, राइट क्लिक, कुछ ऐसे आप ले लो। फाइन, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके स्ट्रोक को मास्क कर लेना आप, रेस्टोरेंट वाला जो है मैंने दिखाया था। एंड देन यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़े वाइट कलर में ले लेता हूँ मैं। ओके, डबल क्लिक, थोड़े से मैं स्ट्रोक को 3-4 में ले लेता हूँ। नाउ दिस इज़ फाइन। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको ले लेने हैं यहाँ पे। और आप चाहो तो डॉक्यूमेंट को आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, कि पार्टीशन आप ले लो यहाँ पे कुछ ऐसा। तो मुझे एक यहाँ बनाना है, यहाँ यहाँ एक यहाँ पे बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया यहाँ पे। रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हो रेस्टोरेंट का नाम। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, ड्रीम सिटी
फॉन्ट का आप चाहो तो चेंज कर दो, सेम फॉन्ट कलर मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट में जाओ आप, एंड देन यहाँ पे जाकर आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ एंड देन फॉन्ट का कलर थोड़ा सा ऐसा रखता हूँ, थोड़ा सा आप येलो टोन में भी रख सकते हो, येलो कलर में भी रख सकते हो थोड़ा सा आपका। तो मैं ड्रीम सिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंड देन फॉन्ट आप चेंज कर दो जैसा फॉन्ट आपको चाहिए होगा, थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ ड्रीम सिटी ऐसा कुछ लिख दिया जैसा मुझे चाहिए था। कंट्रोल टी, थोड़ा सा साइज़ छोटे कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया मेरा छोटा सा साइज़ हो गया फॉन्ट का, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया रेस्टोरेंट। ओके, सिंपल सा ड्रीम सिटी रेस्टोरेंट मैंने लिख दिया, एंड देन अगेन कंट्रोल टी, टेक्स्ट को आप चाहो तो चेंज कर दो ऐसा। फॉन्ट आपका 38 है, मैंने ले लिया यहाँ पे 14x24 कुछ ऐसे, एंड देन कलर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसा आपको कलर चाहिए होगा वैसे कलर आप ले लेना। ड्रीम सिटी रेस्टोरेंट, ओके सी सिंपल सा आपका यहाँ पे आ गया कुछ ऐसा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है मेन्यूज़ वगैरह सारे कुछ मुझे ऐड करने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ बेस्ट कुछ, मैंने ऐसे कुछ बना दिया, आप चाहो तो सिलेक्ट कर लो सबको, एंड देन यहाँ पे आई एंड देन लिख दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट पिज़्ज़ा, आपको कलर ले लेने हैं वाइट कलर जैसा आपको चाहिए होगा। तो अच्छे से अरेंज कर लो आप कुछ ऐसे, एंड देन पिज़्ज़ा जितने भी आपको लिस्ट हैं वो आप यहाँ पे दे दो। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया बेस्ट पिज़्ज़ा लिस्ट जैसा भी आपको चाहिए होगा, आप वैसे लिस्ट बना लो यहाँ पे कुछ ऐसा सी। तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कहीं से ये टॉपिक को, तो आपको भी कुछ इस तरह से ले लेने हैं, मीन्स आपको भी उसके अकॉर्डिंग आपको भी एडजस्ट कर लेने हैं जो भी चीज़ आपने बनाए हुए हैं डिज़ाइंस को। तो कुछ आप पैसे ले सकते हो, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो साइज़ वगैरह अगर आपको चाहिए तो। थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ साइज़ कुछ ऐसा, ओके। तो ये मेरा एक डिज़ाइन बन गया यहाँ पे। अब सेकेंड में यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, सेम इमेज को मैं ले लेता हूँ, या फिर आप सर्कल यहाँ पे ले लो कुछ ऐसा, थोड़ा सा बड़े साइज़ भी रख सकते हो, बड़े छोटे आप ले सकते हो, एंड देन इमेज आप देख लो चूज़ कर लो कोई भी। बट मैं बार बार बोलता हूँ जो भी इमेजेस लोगे आप हमेशा टॉप व्यू वाले ही होने चाहिए यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं इसको मास्क कर देता हूँ, तो मैं इस डिश को लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। कुछ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए होगा आप ले लो यहाँ पे, तो मैं ले लेता हूँ, आई थिंक ये भी चलेगा। तो मैंने इसको राइट क्लिक एंड देन अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया, थोड़े से इमेज को मैंने थोड़े से और छोटे कर दिए यहाँ पे शिफ्ट के थ्रू, काफ़ी है, राइट क्लिक क्लिपिंग मास्क, ओके जहाँ पे भी आपको चाहिए आप एडजस्ट कर दो इसे कुछ ऐसे, डबल क्लिक कर देने आपको, एंड देन स्ट्रोक आप ले लो यहाँ से। अगेन स्ट्रोक में थोड़ा सा डार्क रखता हूँ, चॉकलेट कलर वाले ही रखता हूँ यहाँ पे। तो कुछ ऐसा मैंने रख दिया, एंड देन स्ट्रोक के साइज़ भी मैंने कुछ बड़े रखे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे, ओके। तो कुछ इस तरह से मैंने रख दिया यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे भी मैं अगेन जैसे बेस्ट पिज़्ज़ा है आप चाहो तो सेम कैटेगरीज में आप कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे कुछ ऐसे सी, एंड देन बेस्ट पिज़्ज़ा के जगह लिख देता हूँ मैं कुछ डिफरेंट डिशेस डिज़र्ट्स। सो अगेन सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, एंड देन वाइट कलर मैं ले लेता हूँ कुछ ऐसा, एंड देन सेम टेक्स्ट जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ था सेम टेक्स्ट को आप इसके ऊपर में भी अप्लाई कर दो सी ऐसा कुछ, ओके। तो कुछ इस तरह से आप चाहो तो कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए होंगे ले लो, एंड देन आपको लास्ट में क्या करना है, इन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेने हैं फर्स्ट, एंड देन अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अलाइन कर लेना फर्स्ट, ग्रुप कर दो, एंड देन दोनों को सेलेक्ट करके फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंटर सेंटर अलाइन कर लेना है आपको यहाँ पे, दैट्स इट, ओके कुछ ऐसा। तो कुछ इस तरह से बन गया यहाँ पे। अगेन डिशेस जो भी आपको चाहिए सारे यहाँ पे डिशेस ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं, एंड देन यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिज़ाइन मेरे थोड़ा डिफरेंट वाले आए। तो मैं क्या करता हूँ, पेंट टूल से थोड़े से डिज़ाइन को मैं
अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसे, फाइन। एंड देन अगेन चाहो तो आप दूसरे दूसरे इमेजेस को आप ले सकते हो यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगेन थोड़ा सा दूसरे वाले इमेज को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, लाइक पास्ता वास्ता ले लो आप। ये है हमारा आखिरी पास्ता, तो मूवी में कुछ ऐसे ही बोलता है आखिरी पास्ता, तो मैंने भी ले लिया। एंड देन राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, थोड़े से छोटे इमेज कर लो आप सेलेक्ट, क्लिपिंग मास्क यहाँ पे मैं लेके आ गया। अगेन डबल क्लिक करो एंड देन स्ट्रोक पे चले जाओ। स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा लाइट ही रखता हूँ एंड देन स्ट्रोक के जो साइज रहेंगे 3 और 4 ही रखेंगे, बस इतने ही आपको रखने हैं, फाइन। तो एक यहाँ पे हो गया, एक और चाहो तो आप डिश डिज़ाइन यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो, बॉटम में भी कुछ डिज़ाइन, जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए वो डिज़ाइन आप कर लो। ओके, तो आजकल किसी भी तरह का आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, डजेंट मैटर कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बस शेप अच्छे होने चाहिए। सी, ऐसा भी बन गया। एंड देन यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी एलिप्टिकल होगा शायद, क्लिपिंग मास्क कंट्रोल थोड़े से छोटे कर दो आप, कंट्रोल प्लस, डबल क्लिक कर दो, सॉरी इसके नहीं इमेज के, इमेज पे फिर से आ जाओ। एंड देन यहाँ पे मैं फिर से वाइट कलर पे चला जाता हूँ एंड देन 2 और 3 मैं ले लूँ यहाँ पे फिर से, दैट्स इट। एंड देन यहाँ पे आपको जो भी मेन्यू आपको चाहिए होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर लो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ जो मुझे चाहिए यहाँ पे ऐसे, फाइन। तो कुछ इस तरह से आपको सारे अरेंज कर लेने हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, जो भी आपको चाहिए होंगे कुछ ऐसे आप ले लो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको फिट करना है उसके अकॉर्डिंग आप फिट कर लो। चाहे तो अरेंजमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, सबके एक जैसे ही रख सकते हो। यहाँ पे मैं जानबूझ के लिख लिया हुआ है कि क्यों ऐसा है कुछ हमारा यहाँ पे है। एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक फ्री ड्रिंक्स है या कुछ भी आप ऑफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फ्री ड्रिंक, ओके, जहाँ पे भी आपको चाहिए फ्री ड्रिंक वाला आप लगा दो यहाँ पे टैग, दैट्स इट। कलर ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा लाइट ही लूँगा, कुछ ऐसे वाइट। तो ये हो गए हमारे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से आप बना सकते हो, जो भी आपको चाहिए होंगे वो डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये था मेरा रेस्टोरेंट का डिज़ाइन, आप चाहो तो और भी टाइम लेकर आप कर सकते हो, थोड़े से आपको यहाँ पे गैप लेने पड़ेंगे। एंड देन तो अलाइनमेंट आपको प्रॉपर चाहिए होगा, तो आप अलाइन प्रॉपरली आप अलाइन कर लो इन सभी चीज़ों को जैसे आपको चाहिए होंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया प्रॉपर अलाइनमेंट कुछ ऐसे से, तो आपको प्रॉपर अलाइनमेंट कर लेना है। एंड देन आप देख सकते हो हमारा ये कम्प्लीटली हमारा रेस्टोरेंट का जो डिशेज़ होते हैं, जो मेन्यू होते हैं, वो आप मेन्यू कार्ड बना सकते हो, अपने डिज़ाइन को और भी एनहांस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाओ अपने अकॉर्डिंग एंड देन कुछ इस तरह से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं आप लोग लेक्चर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।